अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर ज़िशान ख़ान। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन हाल ही में इंडिया में जो सोशली तब्दीलियां आई हैं और पॉलिटिकल लेवल पर भी जो चेंजेस आई हैं, उनसे इंडिया बहसियत कौम बिल्कुल चेंज होता नज़र आ रहा है। या अगर आप ऐसे कह लें कि इंडिया जो आज का इंडिया है वो गुज़रे हुए कल का इंडिया नहीं था, यानी 2014 से पहले वो इंडिया कुछ और था। मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ मोदी के हुकूमत में आने के बाद की, कि तब से इंडिया के हालात क्यों अब्रप्टली चेंज हुए हैं। ये चेंज बेसिकली इसलिए भी है कि जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट हिंदू रजीम मोदी के हुकूमत में आने के बाद कायम हुई है इंडिया में, उसकी वजह से भी इंडिया के हालात बिल्कुल बदल गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले इंडिया लिबरल था, सेकुलर था, लेकिन अब वो इंडिया नहीं रहा। इसके हवाले से बेसिकली हाल ही में मैंने एक आर्टिकल लिखा है जो कि न्यूज़पेपर में छपा है, और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो आप ज़रूर पढ़िएगा। वो है इंडिया इन द एज ऑफ पेंडेमिक्स, यानी इंडिया उस वक्त से गुजर रहा है जिस वक्त में इंडिया को बहुत सी वबाओं ने घेर लिया है, और उन सब का मंबा, उन सब का मरकज, उन सब का सेंटर या फोकल पॉइंट मोदी रजीम है। उसकी हिंदुत्व सोच है, उसकी हिंदुत्व थ्योरी और जो सोच है उसका ये नतीजा है कि इंडिया इन हालात से गुजर रहा है। हाल ही में जो दिल्ली में रॉयट्स हुए थे, जो एंटी मुस्लिम रॉयट्स हुए थे, उनकी वजह से भी इंडिया की जो शक्ल है अल्ट्रा नेशनलिस्ट हिंदू रजीम की वो वाजे हुई है, जिसमें मोर देन 50 पीपल वर डाइड और उसमें ज़्यादातर मुसलमान थे, यानी 33 से ज़्यादा लोग मुसलमान थे, और उसके अलावा कई 100 लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो ये वो बेसिकली सोच है जिसके तहत इंडिया आज आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ना भी ठीक नहीं, असल फ्रेज़ है कि इंडिया पस्ती में जा रहा है, इंडिया तरक्की नहीं कर रहा बल्कि तनज़ीली का शिकार हो गया है, प्रोग्रेस उसकी रुक चुकी है, और वो दिन ब दिन अपने हालात अबतर करता जा रहा है, बुरे हालात का सामना कर रहा है। इकॉनमी डूब गई है इंडिया की। उसके अलावा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था CAA, उसकी वजह से लगातार प्रोटेस्ट जारी हैं। उसके अलावा जो कश्मीर में रेवोकेशन हुई थी आर्टिकल 370 और 35A, उसकी वजह से मोर देन 8 मिलियन मुस्लिम्स आर अंडर सीज, 6 माह से ज़्यादा हो गए हैं वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, और सख्त किस्म का कर्फ्यू। और हाल ही में जो कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में एक कर्फ्यू या लॉकडाउन की सी कैफियत है, वो कैफियत अब इंडिया भी इमेजिन करता होगा। लेकिन इंडिया के लॉकडाउन को कश्मीर के लॉकडाउन से हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कश्मीर का लॉकडाउन तो बेसिकली ह्यूमन राइट्स की सरासर वायलेशंस हैं। उसके अलावा मनमोहन सिंह आज के इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उसका भी मैंने आर्टिकल में जिक्र किया, आप ज़रूर पढ़िएगा। और इसमें एक और अहम बात यह है कि इंडिया बेसिकली अपनी असल से पीछे हट गया है। तो ये वो तमाम बातें हैं जो मैंने आर्टिकल में डिस्कस की हैं, आप इन्हें पढ़िए, और आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, और आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल डॉक्टर ज़िशान ख़ान को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।